सो गाइस आज एक नहीं दो नहीं चार अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं और सारी की सारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूं, योगेंद्र गर्ग प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ जीएसटी पॉलिसी एट सीबीआईसी ने अपने वेबिनार में अनाउंस कर दिया है कि वे फ्यूचर में ये अपडेट्स लेकर आने वाले हैं और ये सारी जेन्युइन न्यूज है, आपके पास ये न्यूज फॉर्मलाइज होकर आ जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने जो न्यू जीएसटी रिटर्न आने वाली थी उसको पूरी तरह से डंप कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, अब वो नहीं आएंगी। न्यू जीएसटी रिटर्न जो 1 अक्टूबर से लाइव होने वाली थी अब उनको डेफर नहीं किया, मतलब अब ये मत समझना कि उसकी 1 अक्टूबर से डेट को बढ़ाकर फ्यूचर की डेट कर रहे हैं, नहीं, अब वो गवर्नमेंट पूरी तरह से उन्हें खत्म कर रही है। न्यू जीएसटी रिटर्न अब नहीं आएंगी, गवर्नमेंट प्लान कर रही है एग्जिस्टिंग रिटर्न को इंप्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए स्टेप्स ले लिए हैं, गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी है क्योंकि ये मेरे ऊपर काफी इंपैक्ट करती है। जो ई इनवॉइसिंग की लिमिट थी 100 करोड़ के ऊपर, कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था, बट अब इस लिमिट को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है कि 1 अक्टूबर से अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगा। तो मतलब चाहे आपकी B2B है या B2C है, अब लिमिट एक ही होगी है 500 करोड़ की, अगर इससे एक्सीड करेगा तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं। अगली न्यूज गाइस, इसका मतलब समझना अच्छे से। आप GSTR1 फाइल करते हो, वहां पर आप क्रेडिट नोट रिपोर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी मंथ में आपकी कोई टर्नओवर नहीं भी है और सिर्फ क्रेडिट नोट है, मतलब नेगेटिव फिगर है, तो वो भी आपकी GSTR1 में अपलोड हो जाती है। बट GSTR 3B में आपकी नेगेटिव सेल नहीं जाती, मतलब क्रेडिट नोट नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल मार्च के मंथ में अगर आपकी कोई टर्नओवर नहीं थी बट कोई पिछले मंथ का आपका कोई क्रेडिट नोट था तो आप उसे GSTR 3B में नहीं दिखा सकते, बट आप GSTR 1 में तो दिखा देते हो। अब गाइस ये गवर्नमेंट क्या करने वाली है, GSTR 1 तो जैसे आपकी जा रही है वैसे जाएगी, बट उसमें कुछ इंप्रूवमेंट फर्दर चेक लगाए जाएंगे। फिर क्या होगा, GSTR 3B आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपकी GSTR 1 से। अब ऑटोमेटिकली बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आप क्रेडिट नोट GSTR 1 में अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका 3B में चला जाएगा। तो मतलब अगर किसी मंथ में आपकी सेल नहीं भी है और आपका सिर्फ क्रेडिट नोट होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका 3B में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके जो टैक्स GL रिको होती है जो आप अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हो वो काफी इंप्रूव्ड हो जाएगी और जिससे आपकी काफी वैल्यू एडिशन होगी। नेक्स्ट काफी अच्छी अपडेट है, जो न्यू जीएसटी रिटर्न में आपके लिए एक मैचिंग टूल आया था। मैचिंग टूल से आपको क्या करना था, 2A और 3B को कंपेयर करना था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक एग्जिस्टिंग रिटर्न में आपको एक परचेज टेम्पलेट देंगे, आपको परचेज टेम्पलेट में अपनी सारी परचेज की डिटेल डाल लेनी है, फिर आपको उस मैचिंग टूल में जाके उस परचेज रजिस्टर को अपलोड कर देना है। साथ ही आपको जो GSTR 2A आपने डाउनलोड किया होगा जीएसटी पोर्टल से उसको भी अपलोड कर देना है, फिर आप उसको कंपेयर करोगे, मतलब आपको नहीं करना, टूल आपको ऑटोमेटिकली कंपेयर करके देगा और ये बिल्कुल फ्री टूल है, कोई भी आपको ऑफलाइन टूल बाय करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल ऑनलाइन में जाकर इसको कंपेयर कर देना और वो सिंपल टूल ही काम करेगा। फिर आपको ये कैसे चेक करवाएगा, आपसे रेड टिक करवाएगा या ग्रीन टिक करवाएगा कि कौन सा मैच हो गया है या कौन सा नहीं हुआ। तो काफी अपडेट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको किसी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने वहां पर काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और अगर आपको कोई फॉरेन से इनकम लेकर आनी है उसके लिए आप पेपल अकाउंट बनाओ ऑनलाइन, वो भी वीडियो मैंने शेयर कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।